हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग ऊटी पहुंच गए और ऊटी के बस स्टैंड के पास ही हम लोगों ने एक अच्छा सा होटल ले लिया। 4 से 5 घंटे के सफ़र में हम लोग बहुत थक गए थे और हम लोगों ने कुछ देर आराम करी और उसके बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। हम लोगों ने यहाँ ऊटी लेक, थ्रेड गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और रोज़ गार्डन देखा। और दूसरे दिन हम लोगों ने कुनूर जाने का प्लान बनाया। ऊटी से कुनूर लगभग 20 किलोमीटर दूर है। सुबह ब्रेकफास्ट करके 9 बजे जैसे ही हम लोग निकले, वैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ऊटी से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले हम लोग इस व्यू पॉइंट पर रुके। यहाँ पर पैर रखने से ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने ठीक से वीडियो नहीं बना पाई। इस व्यू पॉइंट पर बहुत बड़ा सा हॉल था ग्लास का, वहाँ से आप लोग नीलगिरी के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट से पूरा कुन्नूर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी इसलिए ठीक से वीडियो में आ नहीं पा रहा था। 15 किलोमीटर चलने के बाद कुन्नूर का कैंट एरिया स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, बस कुछ जगह पर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो ली है। ये जो एरिया है आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ भी कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है और कुछ लोग इसे फिल्मी चक्कर भी बोलते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कुन्नूर घूमने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कार से बाहर निकलना भी मुश्किल था, तो मैंने कार के अंदर से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। कुन्नूर का कैंट एरिया लगभग 4 से 5 किलोमीटर में होगा और वो पूरा एरिया हम लोगों ने कार के अंदर से ही देखा। ऊटी से कुन्नूर तक का जो रास्ता था वो ज़्यादातर रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था और हमारी कार इन खूबसूरत रास्तों पर चलती जा रही थी। पहाड़ों की बारिश और बारिश में भीगते हुए ये सीढ़ीदार खेत हमारा मन मोह रहे थे। हम लोग कुन्नूर पहुंच चुके थे और कुन्नूर के चाय के बागान हमें दिखाई देने लगे थे। बारिश बहुत थी लेकिन फिर भी एक जगह पर मैं उतरा और मैंने वहाँ पर एक दो फ़ोटोज़ क्लिक कराए। रास्ते में एक ओर खाई और दूसरी ओर पहाड़, और चाय के बगानों के पहाड़ों का जो हरा रंग होता है वो सुकून देने वाला था। हम लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपनी कार को रोक रहे थे और चाय के बगानों को पास से देख रहे थे। यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स भी थे जो चाय के बगानों में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। मैंने भी उन फ़ोटोग्राफ़र्स से फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए। रास्ते में मुझे ये वाटरफॉल भी देखने को मिला। सामने से ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाटरफॉल काफ़ी दूर था इसलिए वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ पाया, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। चाय के बागानों के बीच में ही एक चाय की फैक्ट्री थी जहाँ चाय के पत्तों की प्रोसेसिंग करके दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। उस फैक्ट्री की भी एक प्रॉपर वीडियो है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोग अगर यहाँ आएँ तो ऊटी से कुन्नूर तक की टॉय ट्रेन की मशहूर यात्रा भी कर सकते हैं। बारिश की वजह से सारी सीट्स पहले से ही फुल थी इसलिए हम लोगों को टिकट नहीं मिले और हम लोग टॉय ट्रेन पर भी नहीं जा पाए। अब हम लोग पहुँच गए लैम्ब रॉक पे। ऊटी का बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है ये। हरे जंगलों से घिरे ये पहाड़ और यहाँ के चाय के बागान बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाते हैं। बारिश की वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम लोगों ने बारिश में भीगते हुए इस खूबसूरत जगह का भरपूर आनंद लिया। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग के समान है। यहाँ बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म राज और आमिर खान की मूवी कयामत से कयामत तक की शूटिंग हुई है। यहाँ पर बॉलीवुड की एक मूवी है रोजा, उसका भी क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ था। यहाँ के सारे प्लेसेस बेहतरीन लैंडस्केप से भरे हुए हैं। 90 के दशक के बॉलीवुड के गाने और उन गानों में जो हरी हरी घास होती थी वो सब आपको यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर घास पर बैठ के आप जो नज़ारे देखेंगे, आपको जो व्यू देखने को मिलेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है उन्हें शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। यहाँ कैमरा ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको हर 10 कदम पर एक से एक अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा हमारी सारी थकान को दूर कर देती है। जब आप ऊटी आएँ तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ज़रूर इन्जॉय करें। मैंने ऑर्डर किया चाव चाव भात और मीठा भात। मैंने नाम पढ़ के बस ऑर्डर कर दिया, पता नहीं था क्या आएगा। जब टेस्ट करके देखा तो चाव चाव भात मुझे उपमा की तरह लगा और ये जो मीठा भात था ये मुझे सूजी के हलवा की तरह लगा, बस इसमें बनाना एक्स्ट्रा था। ओवरऑल दोनों चीज़ों का टेस्ट अच्छा था, तो आप भी जब ऊटी आएँ या कहीं भी घूमने जाएँ तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड ज़रूर ट्राई करें। हमारा ऊटी से कुन्नूर तक का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।